कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार के बाद से सियासी हलचल तेज है। कई नए मंत्री विभागों के आवंटन से खुश नहीं है। दूसरी ओर असंतुष्ट विधायकों का एक गुट सीएम येदुरप्पा के खिलाफ बैठकें कर रहा है। ये मंथन कर्नाटक में बीजेपी सरकार को मुश्किल में डाल रहा है। अगर ये बगावत यूं ही जारी रही तो येदुरप्पा की कुर्सी भी खिसक सकती है। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार का हाल भी कुमारस्वामी सरकार जैसा हो सकता है। कर्नाटक में सीएम येदुरप्पा ने जब से अपने मंत्रिमंडल को नया रूप दिया है तब से पार्टी दो धड़ों में बट गई है। एक तरफ तो पद मिलने के बाद खुशी से झूम रहे नेता हैं, तो दूसरी तरफ वो चेहरे हैं जिनके अरमान आंसुओं में बह रहे हैं। पार्टी आलाकमान से उम्मीद टूटने के बाद अब इन नेताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। यहाँ तक कि अब सूबे में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। चिकमंगलूर के एक रिजॉर्ट में मंत्री रमेश जारकीहोली की कुछ दूसरे मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात हुई। इसके बाद से कर्नाटक में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा तेज हो गई है। मंत्री रमेश जारकीहोली ने नाराज बीजेपी विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान जो मंत्री अपने पोर्टफोलियो से नाखुश हैं वो भी मौजूद थे। इनमें सुधाकर, योगेश्वर, गोपालैया और शंकर जैसे नेताओं का नाम शामिल है। बैठकों का ये दौर ऐसे वक्त में चल रहा है जब सीएम येदुरप्पा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक नेताओं को शांत करवा चुके हैं, लेकिन बीजेपी के करीब 15 विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी होते जा रहे हैं। ये विधायक एक दूसरे से संपर्क में है। अब तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। ऐसे में राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी सरकार की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कर्नाटक में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बीच ही कुमारस्वामी सरकार गिर गई थी। ऐसे में मौजूदा येदुरप्पा सरकार पहले से ही एक्टिव हो सकती है। फिलहाल तेज होती सियासी हलचल के बीच बीजेपी की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।